हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इधर देखिए क्या चल रहा है, बिस्तर ठीक ठाक हो रहा है और अपना हालत ख़राब है कुलसुम का। तो आज अर्शी जा रही है रांची अपने हॉस्टल, आज है संडे। तो ये देखिए यहाँ पे सब पैकिंग हो रहा है, रात से हो रहा है इसका, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो नाश्ता वास्ता हो गया है, सुबह से बहुत कुछ बना, तीन तरह के सब्ज़ी बनाए, सबका अलग अलग डिमांड, रोटी पराठा। तो जाने वाले जो हैं उन लोग का हो गया है। इसको भी रख लो, अंदर नहीं रखना है क्या? इसमें पानी रख ले बॉटल में। हाँ, अपना बॉटल में पानी लो। इसमें है भुजिया पराठा रास्ते में खाने के लिए, होटल का खाना अच्छा नहीं लगता है अरीशा एरम को। कितना सारा सामान, ये बड़ा वाला भी है जी, पूरा डिक्की भर जाएगा गाड़ी। चलो देखिए मेरे किचन की हालत क्या है, एकदम से फैला हुआ है पूरा का पूरा। और अभी रोटी बनाएंगे, उन लोग को तो बना कर दे दिए, नाश्ता करके चले गए, अर्शी चली गई। और हम लोग जो हैं अभी जो घर पे हैं तो सबका रोटी बनाएंगे और सब लोग अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है किचन को ठिकाना लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ये तवा जो है ना इस तरह से जल जाता है, रोटी सादी रोटी के अलावा पराठा ज़्यादा बनाते हैं हम, तो इसलिए तवा का ये हालत हो जाता है। जब हल्का गर्म रहता है ना तभी धोते हैं ना, तो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, फटाफट से साफ़ हो जाता है। और ठंडा अगर तवा धोएंगे ना तो बहुत टाइम लगता है, मतलब छूटता ही नहीं है। रोटी बनाने के बाद हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसे धो लेंगे। अच्छा, तो झाड़ू लगाने आ गई हैं, तो सब रूम भी सब ठीक करना होगा। सब रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये देखिए सब रूम ठीक करेंगे, लेकिन क्या क्या करें समझ नहीं आ रहा है। भूख भी लगी है और सब ठीक ठाक भी करना है, झाड़ू भी लगाने आ गई हैं, तो फटाफट से रोटी बनाते हैं। फ्रेंड्स, नाश्ता वास्ता करने के बाद जो है किचन को किए फ्रेश, और ये देखिए किचन फ्रेश हो गया है, सब बर्तन बहुत सारा था सब धोए, और अब चलते हैं नहाने, क्योंकि खाना कंप्लीट हो गया है, बन गया है, सिर्फ चावल बनाना बाकी रह जाता है, वो लेट से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्तन धोने के बाद ये मेरा काम रहता है हाथ को सफाई करना। तो ये रहा मेरा शुगर पाउडर, चीनी का पाउडर, और ये रहा नींबू, निचोड़ा हुआ नींबू है, थोड़ा बहुत रस होगा इसमें। तो बर्तन जब धो लेते हैं सब, ये चीनी पाउडर थोड़ा सा ले लेंगे, और ये नींबू का छिलका है, इसमें थोड़ा बहुत रस है तो ऐसे मिला लीजिए, वरना पानी लेकर के भी ऐसे आप हाथ में लगा लीजिए, और ये छिलका जो है इससे हाथ को अच्छे से रगड़ लीजिए। ये नेल वगैरह जो है, नेल ब्लैक हो जाता है बर्तन धोने या आलू या प्याज छिलने काटने से, तो इस तरह से धो लेंगे चीनी से ना, तो बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए ये सब अच्छे से फ्रेश हो गया, साफ़ हो गया। उसके अलावा ना फ्रेंड्स, सॉफ्ट बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडी के मौसम में हाथ रफ़ हो जाता है ना, रूखा सूखा, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। उसके बाद ये किचन में रहता है बोरोलिन, तो थोड़ा सा लीजिए और लगा लीजिए। तो थोड़ा सा एक डब्बा किचन में रखते हैं ताकि कहीं जाना ना पड़े, फटाफट से यहीं पर लगा लें। तो ये देखें इस तरह से, ये चीनी का पाउडर, ये बोरोलिन हमेशा यहाँ पे किचन में रखते हैं सिंक के पास, बर्तन धोते हैं और फटाफट से चीनी वैसे रगड़ लेते हैं हाथ में। तो स्क्रब है, समझिए बहुत ही बढ़िया स्क्रब है हाथों के लिए, हाथ को सॉफ्ट रखने के लिए। और एक काम और है, ये लहसुन छिलवा करके रखे हैं, ऐसे छिलवा कर रखते हैं ना तो बहुत काम आता है। ये लहसुन जो है सुबह में धो करके और धूप में हल्का सा सुखा लिए हैं, अब कोई डब्बा में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से छील कर रख देने से ना बहुत आराम हो जाता है। कोई भी सब्जी बनाइए तो खड़ा भी डाल सकते हैं या फिर फटाफट से पीस भी लीजिए।
तो बहुत आराम हो जाता है। इसको रख देंगे फ्रिज में। तो फ्रेंड्स, सुबह से नाश्ता करने के बाद बहुत काम हुआ और काम में लग गए, और उसके बाद जो है सब पूरा घर साफ किए, कपड़ा हुआ, अभी नहा करके खाना खा लिए हैं, और उसके बाद अब चलते हैं, कपड़ा डालेंगे, छत पे चलते हैं, क्योंकि 2:30 बज गया है और धूप कम है तो कपड़ा सूखना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं, अंदर डाल देंगे ताकि शाम तुरंत हो जाएगा तो उठाना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं, कपड़ा ऊपर छत पे डाल देते हैं। ये देखें, पूरा भरा हुआ है कपड़ा। तो फ्रेंड्स, सीढ़ी चढ़ना भी एक एक्सरसाइज है, इससे ना कैलोरी बर्न होता है, और सीढ़ी चढ़ना उतरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे भी एक्सरसाइज अच्छा खासा हो जाता है। तो घर का काम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका जो है वेट बढ़ेगा। नहीं, मेरा वजह एक ये भी है कि दिन रात जो है काम में दिन कट जाता है, काम ही इतना है, तो इसलिए जो है वेट गेन भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या खाना पीना में उतना ज़्यादा परहेज नहीं करते हैं, फिर भी वेट नहीं बढ़ता है क्योंकि काम ही इतना रहता है कि खाना कहाँ जाता है पता नहीं चलता। तो काम घर का करना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो चलिए, कैमरा को रखते हैं और फटाफट से कपड़ा को डालते हैं। ये देखें, अभी कुछ यहाँ पे धूप है, बाकी सब छाया हो गया है इधर, तो इतनी दूर में सारा कपड़ा डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, छत पर से आ गए हैं कपड़ा डालकर, और अभी 15-20 मिनट हो गया है खाना खाए हुए। तो आज एक ड्रिंक बनाएंगे, वो भी बहुत ही मतलब पावरफुल ड्रिंक, जिसको बोलते हैं ना एकदम से मतलब फैट का दुश्मन, ये कह ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। बना लेते हैं, उसके बाद पियेंगे और आपसे बातें करेंगे। ये देखिए, ये तीन चीज़ लेना है और तीनों बराबर बराबर लेना है। ये लौंग हो गया, दालचीनी हो गया। ये दालचीनी फ्रेंड्स फैट कटर का मतलब एकदम पावरफुल मसाला है ये दालचीनी। तो वेट लॉस होने के बाद भी, वेट अगर वज़न घट भी जाता है और इसे अगर लेते रहते हैं तो आप जो है कभी आपका वज़न बढ़ेगा नहीं। और ये हो गया ज़ीरा। तो ये तीनों बराबर लेना है, जैसे ये 25 ग्राम है, 25-25 ग्राम तीनों लेना है। वेट किया हुआ नहीं है, नाप करके हमने लिया है। तो बस इसे अब पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। तीनों एक साथ मिलाकर पाउडर बना लीजिए। तो चलते हैं, पहले पाउडर बना लेते हैं, उसके बाद फिर ड्रिंक बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा ज़्यादा ले रहे हैं ना तो अलग अलग भी पीस सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा है तो एक ही में मिला देंगे और सबको एक साथ पीस लेंगे। सबसे पहले लेंगे 300 ml पानी। 300 ml पानी लेना है। ये ग्लास मेरा 300 ml आता है इसमें, तो हमने इसमें ले लिया है। और फिर ये गर्म कर लेंगे, और ये जो है पाउडर बन गया है। तो पाउडर बन गया है फ्रेंड्स, लाइट नहीं थी और इन्वर्टर से हमने पीसा है, तो बहुत ज़्यादा बारीक कभी नहीं हुआ है। और लाइट आ जाएगी तो और बारीक कर लेंगे, लेकिन अभी इसमें 1/4 चम्मच डालना है। तो अभी ड्रिंक बनाना है क्योंकि अभी पीना है फ्रेंड्स, खाना खाने के आधा घंटा होने वाला है तो पी लेंगे। तो लाइट आएगी तो ये मसाला जो है बारीक कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी को लेकर के 1/4 इसमें डालना है। 300 ml पानी, 1/4 चम्मच ये पाउडर, इसे इतना उबालना है कि 200 ml हो जाए। आधा नहीं करना, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा पानी, उसके बाद फिर ठंडा कर लेंगे। 2 मिनट ढक के छोड़ देना है जब उबल जाएगा। तो आधा से कुछ ज़्यादा है, यानी 200 ml होगा, आधा नहीं हुआ है। तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ढक कर छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गया है, छान लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें और कुछ भी नहीं मिलाना है, बस इसमें चाहें तो आप नींबू का रस मिला सकते हैं बस। तो ये हमारा ड्रिंक तैयार है फ्रेंड्स,
और अब इसे आराम से बैठ कर के पीना है। तो फ्रेंड्स इतना भी गर्म नहीं पीना है कि मुंह जलने लगे, तो अभी काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट सिप सिप करके पीना है। ये वेट लॉस मतलब फैट बर्न करने का पावरफुल ड्रिंक है, ये समझ लीजिए। तो इसे आप ज़रूर, अगर बहुत जल्दी फैट बर्न करना है तो इसे आप तीनों मील के बाद, आधे घंटे के बाद लेना है, बहुत जल्दी असर करेगा। तो सुबह खाएं या दोपहर या शाम में, तीनों टाइम में आधे आधे घंटे के बाद, खाना खाने के बाद लेना है और आराम से गर्म गर्म पीना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो दो चीज़ है जो गर्म होता है। तो आप लोग बोलेंगे कि गर्म तासीर है तो नुकसान करेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें लौंग और दालचीनी के साथ ज़ीरा इसलिए मिलाया है गया है ना कि इसका जो तासीर है, गर्म तासीर, उसको नॉर्मलाइज करेगा और मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, आपको नुकसान नहीं करेगा, ये गर्म तासीर इसका नहीं रह जाएगा, ज़ीरा से बैलेंस बन जाएगा इसका। तो इस तरह से अगर पियेंगे इसको बना करके, तो वेट लॉस बहुत जल्दी होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद है एक तरह से।